गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। सो दिस इज अ क्लास ऑन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड टुडे इज द डे टू फॉर द इंट्रोडक्शन क्लास। कल हमारी पहली क्लास थी। इन द लेक्चर नंबर 31 यू कैन फाइंड द क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास देखने से पहले आप वो क्लास को देख लो, बिकॉज मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग एकदम ही बेसिक से शुरू किया है, जिससे कि जो बच्चे आपके साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी कोप अप कर ले। ओके, सो लेट अस बिगिन एंड आवर एग्जाम इज अहेड। 2 जुलाई को एग्जाम है, सो बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। जो लेक्चर नंबर 32 है, और भी बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, 23 की पूरी सीरीज अपलोड की है, मैराथन अपलोड किए हैं रिलेटेड टू लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बिकॉज अगर आप सिविल वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी तो पढ़ रखा होगा, मैथ्स वगैरह इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन जो ईपीएफओ स्पेशल सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके अकाउंटिंग हो गया, लेबर लॉज हो गए, इन सब के लिए क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आपको भरपूर मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चंस ओनली ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहां जाके चेक कर लो, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी उसका, 200 क्वेश्चंस है केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। लेट अस बिगिन आवर टुडेस क्लास। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। सो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अभी प्रिंसिपल्स बहुत दूर है, क्योंकि अभी हमें बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि अगर वो प्रिंसिपल में वो टर्म आएगा तो क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री क्या है, डबल एंट्री क्या है, ठीक है, या फिर लेजर क्या है, कैश बुक क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। इन सब के बारे में हम बेसिक से शुरू किए हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारा, अकाउंटिंग का फादर कौन था? जब जो कल की क्लास में बताया था, फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु वाज ही? फादर ऑफ अकाउंटिंग, सो फादर ऑफ अकाउंटिंग वाज लुका पासियाली। लुका पासियाली, ही वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन। सो अगर एक मैथमेटिशियन कैन बी ए फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो आप साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड के होके आपको ईपीएफओ भर के अकाउंटिंग का आराम से ही आ सकती है, राइट? सो लेट अस बिगिन आवर टुडेज क्लास। कल हमने क्या देखा था, एक बार छोटा सा रिविजन, कल की क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का रिविजन करा देते हैं यहाँ पे। वो ये था कि हमने अकाउंटिंग के कुछ स्टेप्स देखे थे, ठीक है, कुछ स्टेप्स हमने अकाउंटिंग के देखे थे। सबसे पहला क्या था कि आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। हम जो भी अकाउंटिंग करनी है सीए को, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, ओके सबसे पहले वो क्या करता है, ही आइडेंटिफाइज इट। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, उसको मेजर करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करता है, मेजर करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेगा, ओके। क्लासिफिकेशन के बाद क्या आएगा, क्लासिफिकेशन के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, सो क्लासिफिकेशन करने के बाद उसकी वो समरी करता है। क्लासिफिकेशन के बाद समरी, क्लासिफिकेशन के बाद आया था हमारा समरी, और समरी के बाद क्या था, एनालाइज। एनालाइज के बाद कम्युनिकेट। तो ये आपके स्टेप्स है अकाउंटिंग के, कम्युनिकेट, दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी दो पार्ट है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई। ये पहले के चार स्टेप्स जो है आपके, ये आपके बुक कीपिंग में आते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। सो कल हमने ये देखा था कि जो आई एम आर सी है वो आपका क्या है, बुक कीपिंग। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई आर द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज लिख के आ जाए, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड समराइज अमंग दीज व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। सो समराइज इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। इतना हमने देखा था, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन में भी हमने देखा था एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये सब आप पूरा, तो मैं कल के क्लास का रिविजन नहीं करा सकती ना, तो आप जाके उसको, इस वीडियो को चेक कर लीजिए और आज का क्लास शुरू करते हैं। अब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं, आपने सुना होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा करते हमारी क्लास 9 to 12 की टाइम बीत गई, तो उसका काम क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो यही सेम सवाल उठेगा आपका अकाउंटिंग में, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। सो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है अकाउंटिंग करने के लिए कि जो भी अकाउंटिंग है बेसिकली वो, अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो बहुत हौज पौज हो जानी है सब कुछ, ठीक है। जो भी इनकम हो रही है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक
अच्छे ढंग में नहीं होगा, तो सिस्टमैटिकली इसको अरेंज करने के लिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है इसी के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रेप करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। उसके बाद हमने देखा था कि समराइज करना, समराइज, समराइज क्या करेगा, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, समराइज किसको करेगा, ट्रांजेक्शन को ही समराइज करेगा, ठीक है, समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि पता चले कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, टू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा स्टेटस एकदम लो होता चला जा रहा है, बिजनेस हमारा डूबता चला जा रहा है और हमें कोई खबर ही नहीं है, ओके, और हम महंगे महंगे परचेजेस किए जा रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अभी इस टाइम क्या है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करना है, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि अकाउंटिंग करनी जरूरी है, ठीक है, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, डेटा को। उसके बाद अगला स्टेप होता है कम्युनिकेट टू द नीडी, कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट किसको करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। इंटरनल मतलब हमारा ओनर हो गया, इम्प्लॉयज हो गए, एक्सटर्नल मतलब आप कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ऑडिटर हो गया, तो ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अकाउंटिंग का, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, समराइज करना ट्रांजेक्शन को, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। तो आप ये सब जो वर्ड सुने, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, एनालाइज, समराइज, तो ये कुछ कुछ इससे मिलते जुलते नहीं है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी, जी हाँ, जो आपकी डिफिनेशन है वही इसके ऑब्जेक्टिव है, डिफिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव है उसी के वर्ड को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग किस तरह की होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग से मिलती है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग, ये कैसी होनी चाहिए। हम सीए रखें, तब पैसा दिया है हमने सीए को, हमने नहीं, जो बड़ी कंपनीज होती है वो तो देते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मैं आपको, आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, आपने थंबनेल देखा रहा होगा, ईपीएफओ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो ये आपने देखा, और आप इस वीडियो को खोले, प्ले किए, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है या फिर कोई डांसिंग वीडियो लगा हुआ है, तो ये तो धोखा हुआ ना आपके साथ। तो रिलेवेंट होना चाहिए, जो वीडियो का थंबनेल है वो अंदर वीडियो वही होनी चाहिए ना, तो इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट, ओके, द इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, ठीक। उसके बाद अब आप अकाउंटिंग की मेरी क्लास किया, ठीक है, और एग्जाम में गए और वहां से क्वेश्चंस नहीं आए, जस्ट इमेजिन, ऐसा होने नहीं वाला है, ढूंढ को, लेकिन अगर सपोज का क्वेश्चन नहीं आए, तो आप तो आके वापस मेरे चैनल पे कहोगे ना कि मैडम ने क्या पढ़ाया, क्वेश्चन ही नहीं आए, ठीक है, तो फिर ये मेरे लिए भी बुरी बात है और आपके लिए भी, आप तो ऐसा, डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं, मैंने खुद को डिफेम कर दिया यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इट शुड बी रिलायबल, जो भी कंटेंट है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट शुड बी रिलायबल, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की वो रिलायबल होनी चाहिए। अगला है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। अब हम इंट्रोडक्शन की क्लास क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको आगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह है वो समझ में आए, वहां पे अगर कोई वर्ड आता है तो वो आपको समझ में आए कि वो वर्ड उस टर्म का क्या मतलब है, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस ले रहे हैं, ओके। तो इसी तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में वो भी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और फिर अगला है कंपेरेबल, कंपेरेबल, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल, जैसे कि मान लो आपकी दो कंपनी है, अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, Amazon और आपकी Flipkart, ठीक है, इन दोनों के पास तो सीए होंगे, नो डाउट, ठीक है, और ये लोग ने अपना अपना अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग करके जो रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, रिपोर्ट बनाई, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि सब कुछ दिखाया आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखाया, और इन्होंने कुछ अलग ही मेथड यूज कर लिया जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई नामो निशान नहीं था, इन्होंने प्रॉफिट लॉस दिखा दिया कि प्रॉफिट इतना हुआ है और लॉस किस किस प्रोडक्ट में हुआ है, कि हमने ये प्रोडक्ट बेचा था, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, और इस सामान में हमारा लॉस हुआ है, और उन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम हुई है और कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर हुआ है, तो कंपेरिजन लग रहा है आपको,
अमेजोन वाले अगर अपनी रिपोर्ट देखेंगे, सोचेंगे लो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी का रिपोर्ट देखें और हमको पता चले कि हम किस लेवल पे लाई करते हैं, तो दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देख के क्या वो कुछ समझ पाएंगे कि अरे हम किस लेवल पे हैं? कुछ आइडिया मिलेगा? नहीं आइडिया मिलेगा ना। तो दोनों कंपनीज की रिपोर्ट अगर एक ही तरह होंगी, दोनों इनकम और एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस में ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ही तो कंपेयर कर सकता है, तो कंपेरेबल होना चाहिए। अब कंपेरेबल कैसे होगा? अब कंपनीज को सपना तो नहीं आ नहीं रहा है कि वो प्रॉफिट लॉस में बना रहे हैं, चलो हम भी बनाते हैं, या वो इनकम एक्सपेंडिचर में बना रहे हैं, चलो हम भी बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं। अपने आप से तो कंपनी करेगी नहीं, और स्पेशली कंपनी तो चाहेगी ही नहीं कि दूसरी कंपनी को मेरे इनकम वगैरह के बारे में पता चले, ठीक है, ताकि, और वो भी कॉम्पिटिटर कंपनी को। इसीलिए एक लॉ है जिसकी वजह से सबको एक ही तरीके से बनाना पड़ता है। वो क्या लॉ है? उसका लॉ का नाम है आपका कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में मेथड दिया हुआ है अकाउंटिंग का, फॉर्मेट फॉर्मेटिंग का, ठीक है, कंपनी एक्ट ऑफ 2013। इसमें साफ साफ जो है आपका फॉर्मेट प्रेजेंट है, फॉर्मेट है किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। इसी फॉर्मेट में कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन से एक्ट में, किस एक्ट के किस शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो ये शेड्यूल कौन सा है? इट इज शेड्यूल 3। सो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में क्लियरली मेंशन है फॉर्मेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे कि कंपेयर करना आसान हो जाए, ठीक है, कंपेयर करना आसान हो जाए। तो ये क्या था? ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन, या जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग से वो किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी सब्जेक्ट है, लिमिटेशन तो होनी ही है, राइट, तभी तो उसका स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बढ़ता है। लिमिटेशन, सो व्हाट आर द लिमिटेशन? सबसे पहले तो आपने देखा कि हर जगह पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है? अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट पैसा। यहाँ पे क्वालिटेटिव की कोई जगह नहीं है, ठीक है, क्वालिटेटिव ग्रोथ वगैरह का कोई स्कोप नहीं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट का कोई स्कोप नहीं है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता है। सपोज आपकी कोई, आप है और आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त कोई कंपनी खोला, ठीक है, और आपने भी कोई कंपनी खोली। अब आपकी और आपके दोस्त का व्यवहार अच्छा है, तो आपका दोस्त कुछ कुछ हेल्प कर देता है, मॉनेटरी हेल्प नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा हेल्प कर देता है जिससे कंपनी की आपकी ग्रोथ होती रहती है, तो वो सब तो मेंशन होगा इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक। अगला है, ये बहुत ही जजमेंटल होता है, अकाउंटिंग जो है जजमेंटल होता है, ठीक, जजमेंटल होता है, क्योंकि ये खाली इनकम और एक्सपेंडिचर में ही डील करता है, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो इनकम है, आपका जो इनकम है वो किसके बराबर होना चाहिए? आपके एक्सपेंडिचर और आपका इनकम बराबर होना चाहिए एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के, राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कभी भी ये दोनों बराबर आते नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, ठीक है। पैसे टू पैसा आपका इक्वल नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर 1.1 पैसे का खर्चा है तो यहाँ पे भी 1 रुपया एक्सपेंडिचर हो रहा है, 0.1 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है कि आपका जजमेंट, जजमेंटल तो होता ही है ये, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक। अकाउंटिंग में जो भी है वो पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट एंड प्रेजेंट, इतना सब करने के बाद भी हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अकाउंटिंग के थ्रू, आने वाले साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये केवल पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करता है, फ्यूचर का कोई बात नहीं होता, फ्यूचर इज नॉट मेंशन्ड इन दिस, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी कभी कभी कई सारे प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो वहां पे मैं बताऊंगी कि देखो ये दोनों प्रिंसिपल, आपको खुद ही लगेगा कि यार इस प्रिंसिपल में तो ये कहा जा रहा है, इस प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है, ओके। और अगला पार्ट ये है कि इसमें जो होती है ना, आप करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों डिफरेंट हो जाती है। अब ये क्या चीज है? करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये दोनों आपके डिफरेंट होती है, करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू, ठीक है। सपोज आपने कोई फोन खरीदा, सपोज आपने कोई फोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, आपकी कंपनी के बजट से कंपनी ने लैपटॉप खरीद लिया, उसकी वैल्यू क्या थी? 10,000 रुपए। सपोज लैपटॉप वॉज ऑफ 10,000 रुपीज, तो आप उसको मेंशन कर दिए 10,000 रुपीज। आपने उसको 3 साल चलाया, अब उसकी कॉस्ट हो गई है 1,000 रुपीज, बट वो अभी भी अकाउंट्स में 10,000 रुपीज का शो किया जा रहा है। सो आपका ये जो है डिफरेंट होता है, ओके। सो करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल प्राइस को इग्नोर करता है, प्रेजेंट की प्राइस को इग्नोर कर देता है। सो
दीज आर द लिमिटेशन, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं हो पाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर के जो रिलेशन है वो थोड़े से गड़बड़ रहते हैं हमेशा, पास्ट और प्रेजेंट की बात होती है, फ्यूचर का को कोई से नहीं है यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों में, ठीक है, करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू आपकी बराबर नहीं होती, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। लिमिटेशन हमने देख लिया, ओके, इंफॉर्मेशन देख ली और आपका डिफिनीशन देख लिया और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आता है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, वैसे बेसिकली हमको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, लेकिन ब्रांचेज देख लेते हैं कि और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पहला तो हमारा हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, फिर अगला होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर अगला होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिर आता है आपका एचआर अकाउंटिंग। तो ये आपके टोटल अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बजट वगैरह प्रिपेयर करना सब कुछ इसी के अंदर आता है जो हम पढ़ रहे हैं। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, सपोज जो मैनेजर है वो सीए से जाके कहे कि भाई सीए साहब बताओ मुझे अपने मुझे इस ब्रांच कंपनी के इस ब्रांच के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, मान लो मुझे और एसी लगवाने हैं, 10 एसी का देना है, चार मतलब 10 एसी का कॉन्ट्रैक्ट देना है मुझे, ठीक, अब मुझे एसी लगवाना है क्योंकि एम्प्लॉय को दिक्कत हो रही है, तो मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ कि मुझे ये एसी लेना चाहिए, ये एसी लेना चाहिए, हमारा बजट क्या अलाउ कर रहा है या कौन सा एसी लेने पे दिक्कत नहीं होगी और हमें प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। तो ये मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट के साइड से अकाउंटिंग होती है वो है क्या, मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट मतलब आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में, उसका आप जो भी सेलिंग प्राइस रखोगे वो डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा है, उसकी सेलिंग प्राइस भी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, विच मीन्स आपका मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं, ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये क्या चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक रिलायंस या आपकी अमेजन या आपकी फ्लिपकार्ट, जो भी बड़ी कंपनी है जिसका बिलियन ऑफ डॉलर्स में सेल है, ठीक है, टर्नओवर है, तो वो कंपनीज गवर्नमेंट के थ्रू मतलब उनका उनके ऊपर एक वो रहता है कि ड्यूटी है, उनकी गवर्नमेंट उनको एक ड्यूटी दी है कि आप जो है अपने जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका टर्नओवर है, उसका कुछ परसेंट आप सोशल वेलफेयर में खर्च करोगे, ठीक है, दे हैव टू स्पेंड इन सोशल वेलफेयर और उसका हमें रिपोर्ट बना के दोगे, ये आपकी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, यू हैव टू स्पेंड इन वेलफेयर एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस वेलफेयर, जो भी खर्चा हुआ दैट शुड बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट। फिर अगला है एचआर अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग क्या है भाई, एम्प्लॉइज की बेटरमेंट, कोई वैकेंसी है, ये सब आपका डिपेंड करता है एचआर अकाउंटिंग पे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एकदम सिंपल सिंपल से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आता चले, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का, दो तरीके के सिस्टम होते हैं बेसिकली, ठीक है, पहला है सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम, और अगला है डबल एंट्री सिस्टम। आपके घर के पास वाली दुकान जो नुक्कड़ पे छोटी सी चाय की टपेली है, ठीक है, उसके पास आप जाओगे तो देखोगे कॉपी में सब कुछ लिखा रखा होगा कि आज इतने का चाय बिकी, इतने का चाय पत्ती लग गया, इतने का दूध लग गया, इतने का गैस लग गया, इतने का चीनी लग गया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये चला गया पैसा, ये पैसा आया है, ये पैसा गया है, इस तरीके से वो सिंगल एंट्री एक ही पेज में एक ही बुक में वो मेंशन किया है, ठीक है। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें आपका दो टेबल बने होते हैं, यहाँ पे होता है आपका इनकम या बोल सकते हैं क्रेडिट, और यहाँ होता है आपका डेबिट, सो क्रेडिट और डेबिट के दो अलग कॉलम्स होते हैं, क्रेडिट और डेबिट के, तो ये आपका ज्यादा ही सिंपलीफाइड और इजियर वे है अकाउंटिंग करने का, तो यही हमें पढ़ना है आगे चल के, ठीक है, डबल एंट्री स्कीम, ओके, चलो क्लियर है, सिंगल एंट्री स्कीम आपकी वैलिड नहीं है यहाँ पे, आप डबल वाला ही पढ़ोगे, क्योंकि सिंगल तो छोटे दुकानदारों के लिए होता है, जो भी बड़े बिजनेस है वो डबल एंट्री स्कीम को फॉलो करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या है ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, दो तरीके के बेसिकली मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका कैश मेथड और एक होता है एक्यूरल मेथड, एक्यूरल मेथड, ठीक है, कैश मेथड और एक्यूरल मेथड। एक्यूरल का मीनिंग होता है ड्यू,
एक्रुअल क्या मीनिंग होती है? ड्यू। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के, कैश मेथड और एक्रुअल मेथड। ठीक है, सो कैश मेथड क्या होता है? जब आपने सपोज जस्ट इमेजिन कि आपने अपने दोस्त से कोई चीज खरीदी 2022 में, ठीक है, और कहा कि भाई साहब मैं आपको पैसा दूंगा 2023, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2023 में उसका पैसा लूंगा। आपने खरीदा यहाँ पे था और आपने पेमेंट 2023 में किया, तो वो जो आपका फ्रेंड है वो उस पैसे को किस ईयर के अकाउंट्स में मेंशन करेगा, 2022 के कि 2023 के? अगर वो कैश मेथड फॉलो कर रहा है तो 2023 में मेंशन करेगा, ठीक है, 2023 में मेंशन करेगा। लेकिन अगर वो एक्यूरल मेथड फॉलो कर रहा है तो वो जो है 2022 में आपने चीज खरीदी, 2023 में आप उसका पेमेंट करोगे तो वो 2022 में ही मेंशन कर लेगा उसको। ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। तो फिर से देख लेते हैं, अगर कैश मेथड फॉलो किया जा रहा है तो जब आपको पैसा मिलेगा, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब भी आपको पैसा मिला तब मेंशन किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्यूरल मेथड फॉलो कर रहे हो तो जब वो सामान बिका, चाहे उसका पैसा मिला चाहे नहीं मिला, बाद में मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन वो चला गया, जिस दिन वो बिक गया, उसी दिन वो मेंशन किया जाएगा। यही आपका मेथड क्या होता है ना, यही मेथड आपको फॉलो किया जाता है, एक्यूरल मेथड। ठीक है, एक्यूरल मेथड आपका ही फॉलो किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी क्लास लेने लग जाऊंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे टर्म्स आ गए। देखो एक्यूरल मेथड आ गया, सिंगल एंट्री डबल एंट्री आ गया, डिफरेंट ब्रांचेस आ गए, करंट वैल्यू बुक वैल्यू, तो धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, रिलेवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड समराइजेबल, ऐसे करके पूछ ले तो इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से नहीं मिलता है या कुछ भी ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए। चारों रिलेवेंट होता है, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ये चारों आपके इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग से। ऑब्जेक्टिव पता है आपको, सिस्टमैटिक होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, समराइज करना ट्रांजेक्शन्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है हमारे? लुका पासियाली। उसके बाद हमारे बुक कीपिंग के डेफिनेशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? IMRC, आई फॉर आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई, ये आपके चार किसके पार्ट्स हैं? बुककीपिंग के। फिर अकाउंटिंग में समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेस क्लास एंड आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट PMYP। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रह सको, ऐसा ना हो कोई वीडियो मिस हो जाए, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीच में अगर कोई वीडियो मिस कर दोगे तो फिर आप नहीं जान पाओगे कि आगे क्या चल रहा है, इट विल ऑल बी लाइक ए खिचड़ी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काइंडली हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद।